का शहर जो कि सऊदी अरब के ऐतिहासिक हेजाज क्षेत्र में स्थित है। मक्का को इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। यह इस्लाम के 5 प्रमुख स्तंभों में से एक है। हर वर्ष यहाँ पर करीबन 50 लाख लोगों से भी ज्यादा हज यात्री आते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में जानेंगे मक्का मदीना से जुड़े कुछ खास और रोचक तथ्यों के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं अगली वीडियो डालूं वो आपको तुरंत मिल जाए। मक्का मदीना में एक बेहद बड़ी मस्जिद है जो कि पत्थरों से बनाई गई है। इसी के बीच में काबा की पवित्र इमारत भी है। काबा की इमारत ग्रेफाइट पत्थर से 40 फीट लंबी एक इमारत है, जिसमें कोई भी खिड़की नहीं दी गई है, पर इसमें एक दरवाजा उपलब्ध है। दुनिया भर से जो भी यहां हज यात्रा के लिए आते हैं, वे तवाफ नाम की रस्म के मुताबिक काबा इमारत की परिक्रमा करते हैं। काबा इमारत में पूर्व के कोने में कुछ ऊंचाई पर पवित्र काला पत्थर मौजूद है। काबा की 7 परिक्रमा पूर्ण होने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग या हज यात्री इस पत्थर को चूमते हैं। मक्का का सबसे खास नियम ये है कि मक्का मदीना क्षेत्र में अन्य धर्मों के लोगों का आना सख्त मना है। यहाँ सिर्फ मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग ही आ सकते हैं। काबा की ये इमारत काले पत्थरों व सोने से बनी हुई है। मक्का मदीना क्षेत्र में एक बेहद पवित्र कुआं भी है, जिसको जमजम के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी मुसलमान मक्का मदीना में हज यात्रा को जाता है, वह इस कुएं का पानी पीकर ही आता है और इसे अपने साथ लेकर भी जाता है। इस कुएं के पानी को कुदरती रूप से चमत्कारी माना गया है और यह चमत्कारी कुआं आज तक नहीं सूखा है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि प्रत्येक मुसलमान समुदाय के इंसानों को प्रतिदिन 5 बार काबा शहर की तरफ मुख करके नमाज अदा करनी होती है। पैगंबर मोहम्मद के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हर इंसान के लिए अपने पूरे जीवन में एक बार मक्का मदीना की हज यात्रा को जरूरी माना है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर से लाइक कीजिए और ऐसे ही खास वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के साइड में बेल बटन को भी दबाएं, ताकि मैं अगली वीडियो डालूं वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए। मैं फिर मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।